जी टी ट्वेंटी लीग लगातार अच्छे अच्छे धमाके देखने को पेश कर रही है लेकिन फाइनल जो हुआ जी टी ट्वेंटी लीग का काफी धमाकेदार हुआ क्योंकि वैंकुआ नाइट्स वर्सेस विनीपैक हॉक्स का ये मुकाबला सुपर ओवर तक देखने को मिला विनी हॉक्स ने शुरुआत करी और एक सौ तिरानवे रन का बड़ा लक्ष्य विनीपैक हॉक्स ने रखा सामने वेंकुवर नाइट्स के विनीपैक हॉक्स की टीम की शुरुआत शानदार रही और क्रिस लिन ने सैंतीस रन मारे वहीं शनिवार अनवर ने नब्बे रन की पारी खेली शनिवार अनवर ने मात्र 45 गेंदों में नब्बे रन जड़े जिसमें उन्होंने सात छक्के और आठ चौके मारे क्रिस लिन ने वहीं तीन छक्के और चार चौके मारे सनी सोहेल खासा कुछ नहीं कर सके लेकिन उसके बाद जीन पॉल डिमिनी आए उन्होंने 27 रन मारे 33 गेंदों में इस पूरे टूर्नामेंट में देखा गया कि क्रिस लेन अच्छा परछाव छोड़ के जाते हैं अच्छी शुरुआत दिलाते हैं और इस मैच में भी उन्होंने एक के स्ट्राइक रेट से सैंतीस रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने तीन छक्के और चार चौके जड़े जब उसके बाद वैंकूवर नाइट्स की बैटिंग आई तो कुछ देखने को मिला लेकिन इससे पहले गेंदबाजी क्रम की बात करी जाए वैंकूवर नाइट्स के तो आंध्र रसेल इसमें चमके और क्या खूब चमके क्योंकि चार ओवर में उनतीस रन देकर चार विकेट झटके आंध्र रसेल ने और मात्र सात दशमलव दो पाँच की इकोनॉमी के साथ इसके बाद जब बल्लेबाजी करने उतरी वैंकूवर नाइट्स की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही उन्होंने शुरुआत में अपने ओपनर्स चैंडिक वर्ल्टन और टोबियस विसी का विकेट जल्दी ही खो दिया और मात्र दो रन पे दो विकेट खो चुके थे वैंकूवर नाइट्स तब ऐसा लग रहा था कि अब ये मैच सीधा सीधा विनीपैक हॉक्स जीतेगी लेकिन उसके बाद रेसी वेंडरसन और डैनियल सैम्स ने थोड़ी देर पारी को संभाला और उसके बाद डैनियल सैम्स अपना विकेट खोकर चले गए ये मात्र इक्कीस रन मार के गए उसके बाद शोहेब मलिक क्रीज पर उतरे और कप्तानी पारी खेल के टीम को जीत की आस दिला दी उन्होंने 36 गेंदों में चौसठ रन की पारी खेली जिस बीच उन्होंने तीन छक्के और छह चौके लगाए इसके बाद आंद्र रसल अंत में आए और उन्होंने 20 गेंदों में छियालीस रन जड़कर एक तरफा मैच कर दिया और टीम को सुपर ओवर पर लाकर खड़ा कर दिया जब लग रहा था कि अब टीम का कुछ नहीं होगा तब आंद्रे रसैल अंत में आके टीम को सुपर ओवर तक ले गए और उसके बाद सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने वैंकुवर नाइट्स की टीम आई और रसेल ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा अगली गेंद पर रसेल ने सिंगल लिया तीसरी गेंद पर लैग बाय मिली और चौथी गेंद पर रसेल अपना विकेट गवा बैठे और पांचवी गेंद पर एक रन लेग बाय का मिला और आखिरी गेंद एक दुसान का विकेट गिर चुका था जिसके बाद वेंकूवर नेट जीत के लिए 10 रनों का लक्ष्य रखा जो और जवाब में विनीपैक्स की शुरुआत काफ़ी अच्छी नहीं रही और उन्होंने दो गेंदों पर दो विकेट लिए और उसके बाद जीत वेंकूवर नाइट्स के पास से जाती दिख रही थी इसके बाद लेग बाइस के रूप में चार रन का उपहार मिला जिसने मैच का रुख बदल दिया और अब टीम को जीत के लिए तीन रन चाहिए थे वो भी चार गेंदों में और उसके बाद उन्होंने शानदार अगली ही गेंद पर चौका जड़कर रसेल का ओवर खत्म करा और अपनी टीम को जीत दिलाई जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से लेन का पलरा भारी दिखा रसेल पर और रसेल की दमदार पारी और दमदार गेंदबाजी भी फीकी पड़ गई फाइनल ओवर का रोमांच इस तरीके से बन गया अब देखना होगा कि अगली बार जी टी लीग में कौन कौन से कैसे कैसे प्लेयर्स खेलते हैं ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर हर्ष की रिपोर्ट